प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का किया उद्घाटन। चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन करेगा जारी, उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड से मारे गए लोगों के निकटतम आश्रित को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पश्चिम चंपारण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 3000 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष कुमार सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से शिष्टाचार मुलाकात की। पटना की एक विशेष अदालत ने AK-47 राइफल बरामदगी के मामले में मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो लोगों को दोषी करार दिया। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH-31 पर से 3,97,000 रुपए लूट मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में 3 नए स्नातकोत्तर विषयों की पढ़ाई को मंजूरी दी गई। और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 17 संक्रमितों की हुई पहचान।